हेलो व्यूअर्स तेज आपण स्वागत जनाऊँगी आपण मान प्रिय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन को बंधु मैंने देखू आपण मैंने समस्ते जानते 23 जून शुक्रवार आपणकर दुईट सिटे जो मैंने दुईट पेपर परीक्षा टीचर इलिजिबिलिटी टेस्ट ओटेट एप्लाई करते परीक्षा देते तेज इतिम्धर जी देखिए ओटीईटी जो कंट्रोवर्सी वर्तमान सुधा समाधान होना कंप्लीट वीडियो देखिए मुझे देखेबी विगत दिन में आपण मैंने देखिथे जो दिन सेंट्रल टीचर इलिजिबिलिटी टेस्ट बा सीटीईटी परीक्षा थिला सही दिन ओएसएसटीईटी बा ओडिशा सेकेंडरी स्कूल टीचर इलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा थिला बोली बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा तरफ ओएसएसटीईटी को रद्द कर दिगला और सीटीईटी परीक्षा जो दिन नथिला तो ही पर दिन जहाँकि वर्तमान समय ओएसएसटीईटी परीक्षा बीएससी तरफ कंडक्ट करागला एबे आपण माने जदि देखिबे दीर्घ आठ मास रु ऊर्ध समय पर जदियो ओडिशा टीचर इलिजिबिलिटी टेस्ट रो फाइनली आपणकर डिक्लेयर करा जायछि जे 23 जून ले परीक्षा हबो किंतु वर्तमान समय रे सोमवार पर्यंत आपण मानको अपेक्षा करिया पई पड़िबो कारण वर्तमान जो सूचना आसी आपणको ऑफिशियल नोटिस मध्ये देखेबी जे पूर्णि थरे गोटे बहुत बड़ असुविधा होई छै आपणकर परीक्षा को नहीं काहे कि ना जो माने ओटेट पई अप्लाई करिछंती सेई समान पिला वर्तमान समय रे अप्लाई करिछंती जहाकि इग्नो परीक्षा पई जो थिरे आपण मान जदि देखिबे ताहाले जो स्टेट सिलेक्शन बोर्ड हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट आपण जदि देखिबे ताहाले जो प्रोग्राम जारी करा जाय छै आपण सीपीईटी एंट्रेंस टेस्ट पई ताहा रही जाउछ आपणकर 23/6/2023 फ्राइडे एवं आपण को देखेबी देखंतु जो माने दुईटी सिटिंग रे ओटेट अप्लाई करछंती सेमानकर मध्य परीक्षा रही जाउछ जो टाइम रे सेई समान समय रे परीक्षा रही जाउछ आपणकर जहा कि सीपीईटी पई म आपण को देखाय पई चाहूची देखंतु एटी क्लियरली मेंशन करा जाइछि जे ओटेट रो फर्स्ट सिटिंग परीक्षा पेपर 1 हबो 8:00 to 10:30 सेकेंड सिटिंग पेपर 2 हबो 12:00 to 2:30 ताले ए जो 12:00 to 2:30 मध्य सेकेंड सिटिंग हबो आपण माने जदियो जानती जे बोथ सिटिंग जो माने बोथ पेपर पर अप्लाई करछंती गोटिए सेंटर आपणकर एग्जाम सेंटर हबो किंतु पूर्वर जो असुविधा होता सीटेड अप्लाई समय रे पिला सीटेड परीक्षा जो माने अप्लाई करते से ओएसएसटीईटी अप्लाई करते बाध्य ओएसएसटीईटी को घुंचाई दिगला कारण आपण माने जानती जे एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट मध्ये जाउछि सेंट्रल गवर्नमेंट रो जो प्रोग्रामटा फिक्स होता है चेंज करा जाए ना केवल आपणकर स्टेट गवर्नमेंट बा विशेषकर जो देखिए जे आपणकर पछरे जो प्रोग्रामटा आसे ताहा आपणकर चेंज हुए इतिमध्ये वर्तमान समय जो गोटे असुविधा आसी आपको कहबी जे परीक्षा प्रकृत में घुंचब ना केमी आपने जानवे सब कथ आपको जनईबी कंप्लीट वीडियो देखिए देखो ये क्लीयरली मेनसन कर स्टेट सिलेक्शन बोर्ड हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट तरफ डेट देखूँ 23/6/2023 24/6/2023 25/6/2023 पूरा डिटेल्स आपंकर प्रोग्राम आसी जो थी आपड़ी देखिए ताहले 23 जून रे आपणकर एंथ्रोपोलोजी आर्ट्स आउ एंथ्रोपोलोजी साइंस सब्जेक्ट देखु ज्योग्राफी आउ हिंदी आपणकर परीक्षा रोचे 10:00 to 11:00 फर्स्ट सीटिंग परीक्षा रोचे 12:30 to 1:30 सेकेंड सीटिंग परीक्षा रोचे 3:00 to 4:00 आपणकर थर्ड सीटिंग आपणकर परीक्षा रोचे तेज एमबीए स्टूडेंट तो ये नाहंती किंतु यो आपणकर परीक्षा पई जो चारिआरे भाइराल होउछि जे आपणकर ओटीईटी घुंची हो बोली म आपणको कहि रखुछि देखंतु 31 जनवरी रे आपणकर ओटेट हेतांता एस ओटीईटी बा स्पेशल ओडिशा टीचर इलिजिबिलिटी टेस्ट पई आपणकर जहा कि डिले हला एवं 8-9 मास परे बारंबार बीएससी गस्त बारंबार बीएससी उपरे चाप प्रयोग बारंबार डिजिटल स्ट्राइक ट्विटर करिया परे फाइनली आपण माने जदि देखिबे किछि दिन पूर्वरु प्रमेय न्यूज पेपर रे डिक्लेअर करा गला जे आपणकर 23 तारीख आपणकर ओटेट परीक्षा हेबो एवं 17 तारीख रु जहा कि आपण माने समस्ते ऑफिशियल साइट बीएससी ओडिशा को जाई आपण माने एडमिट कार्ड डाउनलोड करि परिबे किंतु इतिमध्ये जो असुविधा आसी एहा भी जेन्युइन अटे आपण माने याको स्वीकार करिया पई पड़िबो किंतु वास्तव कथा जी आम देखा ताहले आसंता सोमवार सुधा वास्तव में पूरापूरी क्लीयर हो पुणी ओटीईटी परीक्षा घुंचब कि घुंचब ना किंतु यह आपको कह जाए जे 23 तारीखर परीक्षा आपड़ मैं देखिए 70-80% आपंकर हबार संभावना अच्छे स्टिल ऑफिशियली कौन से डिक्लेरेशन होना केवल ऑफिशियल जो नोटिस आसी आपको देखापी चाहूँ देखूँ जे आपंकर ऑफिशियल नोटिस अनुसार 23 तारीख में पुणी थे आपंकर पिलामानकर एग्जाम रही जाउछी 23 तारीख में गोटे दिन में आपंकर ओटीईटी परीक्षा तेज जो माने प्रकृत में दुईट परीक्षा पर अप्लाई करेंगे से मैंने गोटे समय दुईट परीक्षा केमी देवे वर्तमान समय समस्ते ट्विट कर समस्ते गोटे प्रकार दाबी उपस्थापन कर पाने दाबी उपस्थापन करवा जेन्युन कारण परीक्षार जो आपणकर प्रोग्राम होस्तव में से प्रोग्राम आगामी दिन में जमी असुविधा न हुए गोटे समय जमी दुईट परीक्षा न आसे बहुत
ବହୁତ ନଜର ଅଛି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ଯିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଥିବେ, ଓଡ଼ିଶା ସବୋର୍ଡିନେଟ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯିଏ ଦେଉଥିବେ, ଇଗ୍ନୋ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯିଏ ଦେଉଥିବେ, ସିଟେଡ୍, ଅଟେଡ୍, ଓଏସ୍ଏସ୍ଟିଟି ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ପରୀକ୍ଷା ପଡ଼େ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଏ, ଇଭିନ୍ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ ସରକାର ଭାବିଚିନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଠିକ୍ କରିବା ଦରକାର ଅଟେ। ତଥାପି ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର 60-70% ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ଯାହାକି 23 ତାରିଖ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛି, କାରଣ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ଆସିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯେ ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା 23 ତାରିଖରେ ହେବ ବୋଲି, ତାପରେ ବି ଯେଉଁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜେନ୍ୟୁନ୍ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଆପଣଙ୍କର ପୁରାପୁରି ଫାଇନାଲ୍ ହୋଇଯିବ ଯେ ଯଦି ୟାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି ଅଫିସିଆଲି ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ସୋମବାର ସୁଦ୍ଧା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଜଷ୍ଟ ଫୋକସ୍ ୟୋର୍ ଷ୍ଟଡି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ିକୁ ପୁରା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଅପଡ଼େଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଆସୁଛି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରୁ ପାଇପାରିବେ। ତ ଏଇଭଳି ସବୁବେଳେ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଜେନ୍ୟୁନ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟେବୁଲ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।